जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सेशन। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 2D स्प्रिंग एलिमेंट्स या 2D बार एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो इसमें कुकिंग के क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। अभी फॉर्मुलेशन चल रही है इसकी। अच्छा, थोड़ा सा मैं जरा पीछे से रिवाइंड करूंगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। पीछे से रिवाइंड करेंगे और आप जो है ना वो ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ वी विल एक्चुअली बी मूविंग towards the formalization, towards the stiffness matrix of the 2D. ठीक है, इधर formalization के मैं word use करता हूँ। basically मकसद ये है कि हम stiffness matrix से निकालें। bar element का हमने आपको करवाया था spring, basically तो start हमने spring element से किया था और उसको ही consider करके हम अपनी बाकी आगे सारी formulation करते हैं। तो फिर हमने discuss किया 1D bar element, अब हम 2D bar element पे हैं। 2D bar element की मैंने काफी हद तक formalization आपको करवा दी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे से जरा मूव करना चाहूंगा बिकॉज कुछ चीजें जब हम अब पीछे से कंटिन्यू करेंगे तो आपको तो बेटर गाइडेंस होगी, बेटर चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली आई हैव दिस एक्स एक्सिस, इनिशियली आई हैव द वाई एक्सिस। ये जो हमारे पास है ये उस साइड पे बनाया हुआ, दिस इज बेसिकली ग्लोबल एक्सिस जिसके ऊपर ऑलरेडी हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। उसके बाद जब बॉडी जो है, जब बार जो है वो मूव करना शुरू करेगा, तो जब बार मूव करना शुरू करेगा तो वो सम थीटा एंगल ले लेगा और उसके बाद हम उसको को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमें निकालनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, जिसके बाद मैं जो है ना वो इस काबिल हूंगा कि मैं अपना स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल सकूं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मकसद क्या है इस फॉर्मलाइजेशन का? इस फॉर्मलाइजेशन का मकसद ये है कि वी विल बी अनेबल टू फाइंड आउट। ठीक है जी, हम फाइंड आउट कर सकेंगे, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप के यू इज इक्वल टू एफ। हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, लेकिन ये जो है मेरे पास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमने उसको 1D के लिए पहले बना चुके हैं, हम 2D के लिए बनाना चाह रहे हैं। अब जब 2D के लिए बनाना चाहते हैं तब आपके पास वो सिंपलर केस नहीं होता, बिकॉज यू हैव मैनी नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स जो कि अब दोनों ही होंगे डायरेक्शन में, UI भी होगा और VI भी होगा। बेसिकली V जो हम लेते हैं वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन एट द आईएथ नोड लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये आईएथ नोड है, ठीक है, और बेसिकली जो U होता है वो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग X एक्सिस होता है और जो V होता है वो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग Y एक्सिस होता है, लेकिन होता आईएथ नोड के ऊपर। इसी तरीके से यू जे आ जाएगा और इसी तरीके से वी जे भी आ जाएगा। तो जब भी हम एक बार एलिमेंट को सपोज करेंगे और हम उसको 2D में कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 4x4 का तो बेसिक जेनेरिक लाजमी बनेगा जो कि एलिमेंटल होगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखनी है बातें, इट्स वेरी नेसेसरी। ठीक है, अब जब मसला ये कि K इज इक्वल टू F है, तो मेरे पास जब हम इसको डिस्कस किया करते थे 1D के लिए तो मेरे पास ये वाली चीज नहीं होती थी और ये वाली चीज नहीं होती थी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें एंटर हो जाएंगी तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि पहले हमारे पास जो एग्जैक्टली रिलेशनशिप है ये वाला वो कैसे है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब मेरे पास एक बॉडी है, और उसके ओब्लीक एक्सेस हैं, दो डिफरेंट एक्सेस हैं, एक्स है ये वाई है, लेकिन जब इधर देखा तो वो एक्स डैश हो गया और इधर मैं देखा जो किसी एंगल पे बेसिकली जब रोटेट कर गया तो वो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे वाई डैश हो गया। जब हमने उसको देख लिया तो वो वहां यहाँ पे वाई डैश हो गया। अब जब ये हम सिनेरियो देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चीज ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे अपने यूज। सबसे पहले हमें यूज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने यूज को ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना पड़ेगा, फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ठीक है, लेकिन जो हमें रिलेशनशिप चाहिए होगा, वो हमेशा हमें ग्लोबल के रिस्पेक्ट से चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो जब इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, इस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो हम वो लोकल में जो एक बॉडी मूव हो चुकी थी, अब लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चली गई। ये बात ध्यान में रखना कि जो बॉडी मूव कर चुकी भी होती है उसके जो एक्सिस होते हैं, जो ऑब्लिक एक्सिस होते हैं, वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना चुके हुए होते हैं। हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, लेकिन उसके लिए हमें रिलेशनशिप चाहिए होंगे वो रिलेशनशिप्स जो कि इन दोनों चीजों को आपस में इंटररिलेट करें, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल या ग्लोबल टू लोकल भी कह सकते हैं, वर्ड्स लेते तो फिर वो हो जाता है चीज। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद यह है कि हमें कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशनशिप इन 2D वर्क स्पेस। इन 2D वर्क स्पेस के अंदर हमें 1D के ही थ्रू चलना पड़ेगा, 1D के ही कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, बट हमें उसको पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और T जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो हमें लाजमी यहां पर चाहिए होगा।
ठीक है, तो अब इसको हम बेसिकली हम लास्ट टाइम कंसीडर कर रहे थे, हम ये कंसीडर कर रहे थे कि इफ यू आई इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एट द आईथ नोड, और ये जो है मेरे पास ये सॉरी ये जो है मेरे पास ये मेरे पास वी आई होगा, इसी तरीके से ये मेरे पास वी आई डैश होगा, और इस तरीके से ये मेरे पास यू आई डैश होगा। तो सबसे पहले हम उसको कंसिडर करेंगे, इसकी जो डायग्राम बनाएंगे वो हम बनाएंगे व्हेन वी हैव द ओनली वन नोड, जब एक नोड के लिए है। फिर हमने लेकिन एक नोड के लिए हमारे पास कंप्लीट असेसमेंट नहीं होती, बिकॉज जो मेरे पास एक बार एलिमेंट, एक सिंपलेस्ट बार एलिमेंट है, इट मस्ट हैव द टू नोड, एटलीस्ट मस्ट हैव द टू नोड। तो ये सारी की सारी कहानी है, इसको अपने ध्यान में रखना, और इंशाल्लाह हम आपको फर्दर भी बताते रहेंगे वो साथ साथ कैसे हमें रिलेट करता रहूँगा आज, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जरा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है अबाउट 2D, लेकिन इसको है इंशाल्लाह हम सारा समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो मैं आप ये अगर आप लोगों ने घर में प्रूफ कर लिया होगा या आप लोगों को आइडिया हो गया होगा ये कैसे प्रूफ करते हैं, अगर आपको कोई इशू होगा तो मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और चले मैं इसको यहाँ पे तो फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप कहते हैं तो हम इसको यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, और हम इसको यहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। अब मैं यहाँ से जी एक दो एक्सेस जो है मैं वो ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक दो एक्सेस आ गए, एक ये आ गया और मेरे पास ये एक्स आ गया और ये मेरे पास वाई आ गया, ठीक है। मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं आपको वो बेसिकली बना के दिखाऊँ, ये जो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है ये बना के, पिछली दफा वैसे थी कुछ, मैं शायद कुछ बच्चों को शायद अगर बनाने में इशू हो रहा है, बिकॉज ये स्टैटिक्स के हैं तो पुराने इसकी हम जो है ना वो देखेंगे क्या है वैल्यूज क्या है और सारी चीज़ें ना। तो ये मेरे पास अगर दो फंक्शंस हैं तो मैं अगर इसके ऊपर ये ऑब्लिक एक्सेस बनाता हूँ, दिस इज माई एक्स डैश एंड दिस इज माई वाई डैश, ठीक है। ये अगर गलत बन रहा है तो टेंशन लेनी, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों सेम है, ठीक है, दीज बोथ आर एंगल्स आर सेम, ठीक है, जितने वहां से रोटेट होगा उतना यहाँ से ही रोटेट होगा, ठीक है। अब मेरे पास मैं इसको बनाया था, इसको मैंने बनाया था जी, अब मैं इसको अगर मैं चले कलर्स हैं हमारे पास तो वी विल टेक दैट, वी विल टेक यूज ऑफ दैट यू आई, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे आई हैव द वी आई, ठीक है जी, और इस जगह पे आई हैव द यू आई डैश एंड इस जगह पे आई हैव द वी आई डैश। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हो चुकी हुई है मेरे पास, तो मैं इसको बनाना चाहूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे पास वैल्यूज किस तरह आ रही होती है। अच्छा चलो, अब जी मैं आपको थोड़ी सी जरा एक चीज समझा दूं कि अब मैंने ये आपको मैंने स्टैटिक्स में भी एक दफा कराई थी, ठीक है। अब अक्सर हम स्टैटिक्स में कहा करते थे आई एम टेकिंग माई रेफरेंस एंगल, हम अक्सर ये कहा करते थे कि आई एम टेकिंग माई रेफरेंस एंगल, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है जी, आई एम टेकिंग माई रेफरेंस एंगल, हम अक्सर ये सॉरी मैं इसको जरा एंगल को ना मैं इसको जरा ठीक कर दूँ ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको हम ये डिस्कस किया करते थे कि आई एम टेकिंग एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, आई एम टेकिंग एंगल फ्रॉम पॉजिटिव बाय एक्सिस। अब मेरा रेफरेंस जो है, मेरा रेफरेंस यहाँ पे अगर एंगल, मेरा रेफरेंस एंगल है टेकन फ्रॉम द x-axis से मैं ले रहा हूँ, अगर I am taking from x-axis, not x-axis, ठीक है, x-axis से अगर मैं ले रहा हूँ, तो मेरे पास along bi dash, ठीक है, मेरे पास along जो bi dash है, that is minus ui sin of theta, ठीक है, ये मेरे पास ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास इसी तरीके से अलोंग यू आई डैश है, तो मैं उसको लिख सकता हूं, मेरा जो बनेगा वो यू आई कॉज ऑफ थीटा बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा, द पॉइंट इज, अब ये इस तरह बनेगा, अगर मैं चलो मैं और कलर स्कीम यूज कर लेता हूँ और मैं थोड़ी सी ब्लू यूज कर लेता हूँ। अब देखो ये और along vi dash है, along vi dash का मतलब ये है कि आपने इसको ऐसे बनाना पड़ेगा head to tail rule को, और ये ऐसे head to tail rule बनेगा, because we are taking along y इधर, ये इस वाले axis में, ठीक है, इसके along लेना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था components are always along, ठीक है, components are always along the relative axis, ठीक है, along the relative axis होता है हमेशा, और projections होती हैं वो perpendicular होते हैं, ये आपको statics की बात याद होगी, ठीक है। तो अब ये चीज मेरे पास ऐसे है,
अब इसके हिसाब से देखें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास cos थीटा बन जाएगा और ये जो है मेरे पास sin थीटा बन जाएगा और sin थीटा बन जाएगा। अब ये देखें ये इसके नेगेटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास कंपोनेंट जो है वो ये वाला है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये, ठीक है। अब ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये, फिर हम ये देखेंगे अब एक और क्या चीज़ बनेगी, एक और चीज़ वो ये बनेगी कि रेफरेंस एंगल ना हो, रेफरेंस एंगल जो है अब वो वाई एक्सिस है, ठीक है। अब वो वाई एक्सिस पे आपने एंगल देखना है वो क्या है, ठीक है। आपने वाई एक्सिस पे रेफरेंस एंगल देख लेंगे, ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी क्या है, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस का होगा तो अब मैं इधर क्या लिखूँ, अब मैं इधर लिखूंगा अलोंग द वी आई डैश। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं ये ले रहा हूँ, अब ये देखो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस लाइन के पैरेलल में ड्रॉ कर दूंगा ना, ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है ना वो ऐसे इस किस्म का हेड टू टेल रूल बनेगा, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट ये ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। ओके जी, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएंगी मेरी, अब वो उल्ट हो जाएंगी, ठीक है। वी आई कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, वी आई कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं अलोंग करूंगा तो यहाँ पे यू आई डैश, और वो मेरे पास बन जाएगा जी, यू बन जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास बन जाएगा जी वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये आप देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी, ये पॉजिटिव होगा भी पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। भी आपको समझ आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारे सामने देख रही है, ठीक हो गया बात। अब ये जो है ये चीज हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अब क्या करना था, ये दोनों चीजें मेरे पास आ गई। अब इन सिंपलर केसेस हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, आई हैव माई ऑब्जेक्टिव ये है कि आई नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी मुझे चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप मैट्रिक्स टी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहूंगा, मैं ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहूंगा कि मुझे इन आपस में जो है इनका कोई रिलेशनशिप पता चल रहा है, यू आई का बी आई के साथ, सॉरी यू आई का यू आई डैश के साथ, बी आई का बी आई डैश के साथ, ठीक है। ये कुछ तरह का कुछ करना चाहिए। अब आपको जहन में इस डायग्राम देखिए क्या रिलेशनशिप आता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशनशिप बनता है, हम उस तरह बना सकते हैं कि अगर हम हेड टू टेल रूल बना के एक सिंपलर वेक्टर एडिशन कर लें, ठीक है। अगर मैं सिंपलर वेक्टर एडिशन करूं तो आप नोट कीजिएगा, अगर मैं सिंपलर वेक्टर एडिशन, अब थ्रू द वेक्टर एडिशन मेथड वेक्टर एडिशन मेथड अब मैं यूज करूंगा, वेक्टर एडिशन मेथड यूज करने के बाद मैं क्या चीज बनाऊंगा, ये देखिएगा, आपने जरा इसको देखना है, प्रूफ भी करना है, ठीक है। मैं ले रहा हूं यू आई डैश, ठीक है, ये लाइन ले रहा हूं, ये लाइन। अब ये वेक्टर एडिशन के साथ, ये वेक्टर एडिशन के साथ मेरे पास क्या बननी चाहिए, मेरे पास वेक्टर एडिशन के साथ ये बननी चाहिए, ये वेक्टर एडिशन के साथ मेरे पास ये बननी चाहिए पहला, ठीक है। यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा जी यू आई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब इधर से देखें, ये चीज है ना मेरे पास, ये चीज क्या है जी, यू आई कॉस ऑफ थीटा। अब अलोंग, अब ये यहां पे है, ये दूसरी चीज क्या है मेरे पास, ये वाली चीज है, फिर हम इसमें प्लस कर देंगे, सिंपलर वेक्टर एडिशन है, सिंपलर वेक्टर एडिशन के थ्रू हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपलर वेक्टर एडिशन के थ्रू ये हो गया। अब ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन, अब आप इसको नोट करें जरा, ये देखें ये यही इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बन रही है, हैव अ चेक ऑन दैट, ये इक्वेशन बन रही है, ठीक होगी बात। अब इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बननी चाहिए, वो बननी चाहिए जी वी आई डैश इज इक्वल टू, मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो बननी चाहिए वो मेरे को बननी चाहिए ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो अब मैं इसको देखूंगा तो मैं कह सकता हूँ माइनस यू आई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा जी मेरे पास प्लस, और ये मेरे पास ये वाली, ठीक है, वी आई कॉस ऑफ थीटा। इसको भी देख लें, क्या यही दोनों इक्वेशंस जो हैं, क्या मेरे पास यही दोनों इक्वेशंस दीज इक्वेशंस क्या मेरे पास ये जो दोनों तीनों इक्वेशंस हैं ये वाली, ये क्या मेरे पास यही वाली बन रही, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली वी आर गोइंग द सेम वे, हम सही पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं। अब जो ये चीज है इसको मैंने वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। जब मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लेके आना है देन यू हैव मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप इसको लेके आएंगे
तो हमारे पास ये इसी को हमने यहाँ पे चेंज करना है। तो अब इसी को जब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यू कैन इजिली सी इसको, ये वाला एक मैट्रिक्स ले लूंगा मैं, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज यू आर डैश वी आर डैश, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स इसको ऐसे जनरेट कर लूंगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे चलो इसको बाद में देख लेते हैं, इसको मैं देख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक यू आई लिख सकता हूँ और एक मैं यहाँ पे वी आई डी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो चीज है मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको आप देख लें आप इसमें कैसे कैसे लगाना है जी। अब आपने इसको ऐसे लगाना है कि यहाँ पे इसके साथ क्या कॉस थीटा है और कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा और साइन थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा, इसी तरीके से अब माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है जी, और कॉस थीटा इधर आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं, ठीक है। अब जब ये चीज आपके पास आ गई, ये इक्वेशन जनरेट हो गई, इसको भी चलो देख लें सर ने सही बनाई है कि नहीं बनाई, ये देखिए आ गई इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन देख लें। अच्छा अब मैं जब इसको देखूंगा तो अब कहने का मकसद क्या है कि अब ये मेरे पास आ गई, अब उसने क्या किया है, उसने एल इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लिया है, एल इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा ये जो है ना ये नॉर्मन क्लेचर इसने वैसे ले लिया, ठीक है, आप कुछ भी और ले सकते हैं लेकिन अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ना एज एज इसको स्टैंडर्ड वैल्यूज ले रहे हैं, तो आप ये एल और एम आगे जाकर भी यूज होंगे, तो आप इसको एल और एम भी ले लें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है इसको आप देख लें, यू आर डैश डैश इज और वी आई डैश, सॉरी इसको डैश लगा दें यहाँ पे, तो वी आर डैश, अब ये जो है मैट्रिक्स, ये जो है मैट्रिक्स, अब ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी एल एम माइनस एम और एल, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी यू आई, सॉरी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी यू आई और यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी वी आई। अब ये देखें दिस इज बेसिकली द टी, ये वो टी है जो कि मेरे बार एलिमेंट का, अगर मैं बार एलिमेंट देखूं, मैं अगर ये मैं एक बार एलिमेंट इधर बना दूं, दिस इज माय आईथ पॉइंट एंड दिस इज माय जेथ पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया, यानी कि अगर ये पॉइंट मेरे पास अकेलोता हो तो मेरे पास टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये आ जाएगा, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि बेसिकली दो नोड्स हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपलर थिंग्स, हमने उसको सिंपलर देखना है, सिंपलर बनाना है, ऐसा बनाना है जो कि आई और जे दोनों फॉर्मेट में हो, ठीक है। अब इसको हमने सिंपली जो है ना इसको इस इक्वेशन को हम ये सिंपली ये लिखते हैं, हाँ ये इस वाले मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज यू आर डैश और इज इक्वल टू टी और साथ क्या आ जाएगा जी यू, सही है। अब आप देख लें जी जरा यहाँ पे ये सही बना रहे हैं, ठीक है, देखो ये बन गया, ठीक है, ये इसका जेनेरिक आ गया। अब उसने बताया कि हम ऑर्थोगोनल दैट मींस टी टाइम्स इज इक्वल टू टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि आप इसको घुमा भी दोगे ना इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो वो भी सेम बनेगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब दो नोड्स के लिए लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो नोड्स के लिए मुझे लेना है तो आई हैव टू सी अब मुझे अगर दो नोड्स लेने पड़े हैं, अगर मुझे दो नोड्स लेने पड़े हैं तो ये इक्वेशन एज इट इज मैं अगर लिखूं यू आई डैश वी आई डैश, सही है। अच्छा ये अब आपने ना मुझे साथ साथ समझाना है ये मैं क्या बनाने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल एम माइनस एम फॉर एल माइनस एम फॉर एल, सही है जी। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी यू आई ऐसे ही है, कुछ कई कहानी है। इसी मैट्रिक्स को मैंने चेंज करना है, अब मैंने इसी मैट्रिक्स को चेंज करना है और इसी मैट्रिक्स को चेंज करने के बाद मैंने कुछ ऐसा वैल्यू बनानी है और मैंने कुछ ऐसी चीज बनानी है कि जो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जो कि टू नोड्स को शो करे, तो अब मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखना है बहुत, ठीक है। यू आई वी आई, अब मुझे ना इसके अंदर यू जे और वी जे इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नोड हो गया यू आई वी आई, दूसरा नोड में ऐड करूंगा तो यू जे वी जे आ जाएगा, क्या ख्याल है, ऐसे ही कुछ कहानी। अब मैंने टू रोज ऐड किए हैं, तो मैं टू रोज अगर ऐड करूं ये तो मेरे पास पहले आ जाएंगे ना एल एम माइनस एम, अगर मैं दो अगर मैं इसमें ये चीजें ऐड करूं, अब इधर भी मैं क्या करूंगा, ये डैश है ना सारे, ये डैश है,
ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये करूंगा यू आई वी आई यू जे और वी जे, सही है, ये दो आ गए। अब ये मेरे पास कहाँ आ गए, इधर आ गए, 2x2 का ये बना रहे थे, अब ये 4x4 का बनने लगा है, 4x4 का बनने लगा, तो ये जो वैल्यूज हैं इसकी ये सेम होगी, ये दोनों ये एक नोड पे जो ये वैल्यूज हैं ये सेम है, यही सेम jth नोड पे है, ठीक है, यही सेम जो है jth नोड पे है, लेकिन अब वो इस पोजीशन पे आएंगे मैट्रिक्स में, अब वो इस पोजीशन पे आएंगे मैट्रिक्स में। अब आप ये चेक करो कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यहां से देखो ये ऐसा सीधा करके, ये ऐसा सीधा करके, इधर क्या लिखूं, फिर मैं इधर जीरो लिखूंगा, इधर जीरो लिखूंगा, इधर जीरो लिखूंगा, इधर जीरो लिखूंगा, और इधर भी जीरो लिखूंगा, इधर भी जीरो लिखूंगा, और इधर भी जीरो लिखूंगा, इधर भी जीरो, बिकॉज आपका जो ये इक्वेशन है ये इसके अंदर ये देखो, अब इसी पूरी मैट्रिक्स के अंदर देयर इज नो यू जे वी जे इनिशियली, सही है, चलो मैं इसको पीछे ले जाता हूं मजीद, इसके अंदर देखो आपके पास नहीं है ना कुछ, देखो इसमें कहीं है वीजे है यूजे है, नहीं है ना, तो अगर मैं एक टेम्पोरली ऐड करूं तो मैं जीरो ऐड करूंगा ना इसके अंदर, चलो मैं लिख देता हूं, लेकिन जैसे जीरो यूजे प्लस जीरो वीजे प्लस जीरो यूजे प्लस जीरो वीजे, यही चीज ऐड करूंगा ना इसके अंदर, तो यही चीज जो है एग्जैक्टली यही चीज जो है एग्जैक्टली मेरे पास इधर बन रही है ना, देखो जब यू आई वी आई होंगे उसमें कोई यू जे वी जे का कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन दिस आर दिस टू रोज एंड टू कॉलम्स आर जीरो, इसी तरीके से व्हेन यू आर टेकिंग दिस तो इसमें कोई यू आई वी जे की नहीं है, कोई यू आई और वी आई नहीं है, तो दैट मीन ये वाला जो कॉलम होंगे रोज होंगे ये जीरो। Now this is the transformation matrix which will transform your local coordinates of displacement into global or global to local, वो inverse कर देंगे फिर, ठीक है। तो बात कहने का मकसद क्या है कि ये हमारे पास एक generic चीज बन गई और इसी चीज को हमने ये बता दिया, अब आप इसको transformation matrix ये अब की लिख सकते हैं पूरे के लिए, तो for the two node 2D बार के लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक मैंने वैसे डिस्कस कर लिया था पिछले वाले के, चले मैंने एक्सप्लेन कर दूं आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब चलें, अब मेरे असल में रिकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है, चलें इसी में ही कर लेते हैं, ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है लेकिन हम इसको इसमें कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा अब ये आ गया मेरे पास, लेकिन अब हमारे पास जो इनिशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो है, इनिशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो है वो मुझे, मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये तो थी, लेकिन मेरे पास असल जो रिक्वायरमेंट है, आई नीड सम रिलेशनशिप इन के यू इज इक्वल टू एफ, मुझे इसमें कुछ चाहिए भाई। तो मेरे पास जो वैल्यू है, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है जी u डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स u, ऐसे ही है कुछ, सही है, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अब जिस तरह ये बनाया मैंने, तो अब मेरी फोर्सेस भी तो ऐसे ही होंगी ना, एफ डैश इज इक्वल टू सम ट्रांसफॉर्मेशन टाइम्स एफ, क्या ख्याल है, ये मैंने बिल्कुल सही बनाया, देखें जरा, जिस तरह आपने डिस्प्लेसमेंट का बनाया तो उसका भी कुछ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो हमने इसको जिस तरह ये बनाया उस तरह ये हमने बना लिया, सही है। अब फोर्सेज को देख लेते हैं और साथ डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेते हैं। अब आप देखें इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव दिस, सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है देखना, ठीक है। अब हम जो एक फाइनल वर्जन की तरफ जा रहे हैं ना, हमने ये देखना है, बहुत समझ नहीं है इस चीज को, ठीक है, सॉरी। अब ये देखो, आप इधर से देखते हैं, अब ये चीज ऐसे है, अब मेरे पास एक जनरल इक्वेशन थी, इसको जरा एक मिनट अभी इधर ही रखते हैं, हम आगे जरा इधर से बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, उसमें जो 1D के केस में के क्या था, वो 1D केस में के क्या था, 1D केस में के था मेरे पास 1 -1 -1 1 विद EA by L, ऐसे ही कुछ कहानी थी, और मेरे पास इधर होता था जी UI और मेरे पास यहां पे होता था जी VI और यहां पे मेरे पास होता था जी FI, ऐसे ही है ना, ठीक है, और मेरे पास सॉरी UI एंड UJ और यहां पे मेरे पास होता था जी FJ,
ऐसे ही कुछ होता था टू नोड्स के लिए, सिंपल सिंपल टू नोड्स के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप होता था ना, टी ए बाय एल, ठीक है, वही चीज इधर बनेगी, ठीक है। अब देखें इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का सीन आने वाला, ठीक है। तो अब मैं अगर फर्ज करो मैं इसके अंदर अगर ऐड करूं टी ए बाय एल 1 - 1 - 1, ठीक है, तो मैं अगर यहां पे ऐड करूं तो मैं यू आए बी आए यू जे बी जे ऐसी है कुछ, ये आ जाएगा मेरे पास, सही है। जैसे कि आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, यही इसी तरह मैं इधर इंट्रोड्यूस करने लगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास अगर मैं ये दो इंट्रोड्यूस करूं, अब इसका मतलब है एक इधर आएगा एक इधर आएगा, सही है। अभी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास इसकी, बी आई और बी जे कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास 4x4 का कॉलम बढ़ रहा है ना, तो आपने जब इधर ऐड किया ये है सेकंड रो, तो सेकंड रो इसी में सही है, सेकंड रो इसी में, और ये इंट्रोड्यूस किया, सही है, क्योंकि ये कोई यू यू आई यू जे तो पहले थे ना, अब जब ये दो चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दिस इज फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, ये चार बनेंगे इसी तरीके से यहां पे। वन मिनट, इसको हम जरा मैं आपको वन सेकेंड मैं आपको जरा यहां पे ना के पूरा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये अभी हमारे पास ना इधर में चलो ये बयान ले लेता हूँ, अभी मेरे पास ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसकी स्पेशली बी आई और बी जे की वैल्यू है, ठीक है। अब ये हमारे पास ओरिजिनल -1, -1 और -1 और 1 था, ठीक है। ये मैंने सेकंड रो ऐड की तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे 0000 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ आ जाएगा जी मेरे पास 0000 और इधर भी मेरे पास 0 और इधर भी मेरे पास 0 थर्ड में और हाँ जी इधर भी मेरे पास 0, सही है। तो अभी अगर आप देखें सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हाँ बिल्कुल सही है, वो ये एक मिनट इसको हटा दें जरा, जब मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दैट मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम मेरे पास 0000 आ जाएगा, और इस तरीके से जब ये होगा तो फोर्थ कॉलम आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कोई नहीं है, हम अभी इसको सपोज कर रहे हैं, अब इस तरफ जो आएंगे मेरे पास वो एफ आई और एफ आई एफ जे, लेकिन इधर में कोई वैल्यू नहीं है 0000। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप जो भी कोई इसमें रो ऐड कर रहे होंगे तो वो है तो नहीं, अभी ओरिजिनल इसमें है तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको जीरोस की वैल्यू ले लेते हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे जब इसको हटा देंगे तो बेसिकली इसका इफेक्ट कोई नहीं है ना, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हम इसको सिर्फ इसमें समझाने की कोशिश करें, अगर इंट्रोड्यूस कुछ करना पड़े आपको इन मैट्रिक्स फॉर्म, आप 0000 इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। अब अच्छा ये चीज हो गई, स्टेप हो गई, अब आपने देखना है यहां, तो अब ये जो चीज है मेरे पास मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज माय के डैश बिकॉज दिस इज माय के ओरिजिनल के, दिस इज माय के डैश, यू डैश इज इक्वल टू एफ डैश, बात समझ आई है कि नहीं आई, एक मिनट, ठीक है ठीक है। अब ये इसमें ये वाली चीज इसमें आ गई, अच्छा इसके अंदर सॉरी एक चीज मैं कोड स्किप कर गया हूँ, इसमें कोड स्किप ये कर गया हूँ कि ये जो चीज है मेरे पास ये मैट्रिक्स जो मैं बना रहा था ये हम ट्रांसफॉर्म लोकल के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये सॉरी हम ये ट्रांसपोर्ट लोकल के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म्ड लोकल अगेन, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ के डैश इज इक्वल टू यू डैश इज इक्वल टू एफ डैश, सही है। अब आप इसके अंदर के मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा मैथ यहां पे लगाऊंगा, के डैश इज इक्वल टू एफ डैश, अच्छा ये जो सारा मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसका मकसद क्या है, देखो सबसे पहले हमने ना यू डैश को कन्वर्ट कर दिया, सही है।
अब जब यू को हमने कन्वर्म कन्वर्ट कर दिया तो हमने एफ को भी कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, ये हो गया कन्वर्ट, ये देखें ये हो गया कन्वर्ट। अब ये जो चीज थी ना इसको भी किसी फॉर्म में हमने लेके आना था, इस फॉर्म में कहीं कोई डैश की फॉर्म में, सही है। तो डैश की फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे के डैश बनाना पड़ता, तो के की सिंपल वैल्यू तो ये थी मेरे पास, सही है। इस वाले केस में ये बेसिकली के डैश है, के डैश है ये वाला, ये वाली चीज फॉर द वन नोड, मतलब एक नोड के ऊपर ये दोनों, ठीक है, ये यू आए एंड यू जे, सही है। इसी तरीके से एफ आए एंड एफ जे, ये किसके लिए है मेरे पास, ये टू नोड, ये इस तरह बार है, तो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये डैश, सही है। अब इसी तरीके से ये वाली जो चीज है ये वन डी की केस है, ठीक है, और ये हमारे पास 2D का है। बेसिकली हमने क्या किया, 1D को 2D में कन्वर्ट किया है, 1D ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, अगर वो किसी एंगल पे चला जाए, ठीक है, किसी एंगल पे चला जाए, और ये 2D किसी एंगल पे चला जाए, टू मेक माय दिस इक्वेशन सिंपलर, ठीक है जी। अच्छा अब ये टी है मेरे पास दोनों टाइम्स में, टी डिड्यूस कर दूंगा, चले इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, मास का टाइम हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है इसको फर्दर डिस्कस करते हैं एक्चुअली इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो लिटिल लिटिल बिट कम्प्लेक्स बट परेशान नहीं होना, ठीक है, चलो इसको लेक्चर में बाकी चीजों में ऐड करते हैं।